बाबा आप यहाँ अचानक? बेटा हो बात समझ गया बाबा, आप ये देखने आए हो ना कि आपने मुझे जो नसीहत दी थी मैं उस पर अमल कर रहा हूँ कि नहीं। बाबा तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपके घर से निकला ना तो बस आप ही के बातों के बारे में सोचा था, दिमाग में आपकी बातें थी, दिल में प्रज्ञा का प्यार। वैसे एक बात आपको बताऊं बाबा, प्रज्ञा जो है ना उसने मुझे प्यार करना सिखाया, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि प्यार खोना क्या होता है। पहले तो मुझे लगता था कि प्यार करना सब कुछ होता है, लेकिन पापा आपने मुझे सिखाया कि प्यार करना ही नहीं बल्कि प्यार पाना और उसे निभाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अब मैंने सोचा कि अब इन चीजों का खिचड़ी बना के एक शादी कर लेते हैं, और कर ली मैंने। ये तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है बेटा। और बेटा जी मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी बात का मान रखा। फिर ते निखिल का फोन, एक ही बात को बार बार फोन करके बार बार पूछेगा। अब के करू, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा, बात तो करनी पड़ेगी। अरे निखिल मेरी बात सुन, वो दोनों अभी तक नहीं मिले हैं, मैं पसीना बहाने लग रहा हूँ, और जैसे ही मिल जाएंगे मैं तेने फोन करके बताऊंगा। आगे था तेरे से का फोन मैंने कर लिया, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। के मतलब? मतलब ये है कि वो दोनों मुझे मिल गए हैं और तू पता नहीं किस काम में अपना पसीना बहा रहा है। कहाँ पे है वो दोनों? ये पूछ के वो कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं दोनों? दोनों शादी कर रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, और शादी करने के बाद उन्हें गिफ्ट देने जरूर चला जाए। क्या है ना कि तूने इतना सपोर्ट किया है उनकी शादी में, तो तेरी तरफ से तो गिफ्ट देना बनता ही है। तू अपना नाम कमांडो की जगह ना काम बती रख ले, क्योंकि तेरे अंडर पहले उन्होंने सुहागरात मनाई और अब शादी करने जा रहे हैं, तो उनके काम तो पूरे हो रहे हैं, मेरा काम एक भी नहीं हो रहा है। देख निखिल, मैंने तेरी बात को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहूँगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, तो पहले अपना काम खत्म करूंगा उसके बाद तुम्हें जवाब दूंगा।